क्या आप जानते हैं ऐसे अनपढ़ डॉक्टर के बारे में जिन्हें मास्टर ऑफ मेडिसिन की मानद उपाधि मिली? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्टर हैमिल्टन नकी की, केप टाउन के एक अनएजुकेटेड सर्जन श्री हैमिल्टन नकी, जिनको अंग्रेजी भाषा का एक शब्द भी नहीं आता था। ना ही वो अंग्रेजी बोल पाते थे, ना ही लिख पाते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी स्कूल का चेहरा तक नहीं देखा था। उन्हें मास्टर ऑफ मेडिसिन की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। आइए आज देखते हैं इस वीडियो में कि सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ। केप टाउन मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में एक बहुत ही फेमस जगह है। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था सन 2003 में। एक सुबह की बात है कि विश्व प्रसिद्ध सर्जन प्रोफेसर डेविड केट ने यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि आज हम उस व्यक्ति को मेडिकल क्षेत्र में मानद उपाधि प्रदान कर रहे हैं जिसने सबसे अधिक सर्जरी की। इस अनाउंसमेंट के साथ प्रोफेसर ने हैमिल्टन का गौरव किया और पूरा ऑडिटोरियम खड़ा हो गया। हैमिल्टन ने अपने सभी साथियों का धन्यवाद किया। यह इस यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्वागत समारोह था। हैमिल्टन का जन्म केप टाउन के एक बहुत ही डिस्टेंट गांव सेनीटानी में हुआ था। उनके माता पिता चरवाहे थे और वे बचपन में बकरी की खाल पहनते और पूरे दिन नंगे पैर पहाड़ों में घूमते रहते। उनके पिताजी बीमार पड़ गए जिसकी वजह से हैमिल्टन केप टाउन पहुंचे। वहीं यूनिवर्सिटी का काम भी चल रहा था। वो एक मजदूर के तौर पर यूनिवर्सिटी से जुड़े। कई सालों तक उन्होंने वहीं काम किया। दिन भर काम के बाद जितना भी पैसा उन्हें मिलता वो पैसा अपने घर भेज देते थे और खुद सिकुड़कर खुले मैदान में सो जाते थे। उनके बाद उनको टेनिस कोर्ट के ग्राउंड्स मेंटेनेंस वर्कर्स के रूप में काम दिया गया। यह काम करते उसे 3 साल बीते। फिर उनके जीवन में एक अजीब मोड़ आया। वो मेडिकल साइंस में एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां कोई और कभी नहीं पहुंच पाया। तो चलिए जानते हैं सब कुछ कैसे हुआ। ये एक सुनहरी सुबह थी। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस जिराफ पर शोध करना चाहते थे। उन्होंने ऑपरेटिंग टेबल पर एक जिराफ रखा, उसे बेहोश कर दिया, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ जिराफ ने अपना सर हिलाना शुरू कर दिया। उन्हें जिराफ के गर्दन को मजबूती से पकड़े रखने के लिए एक हट्टे कट्टे आदमी की जरूरत थी। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए, हैमिल्टन लॉन में काम कर रहे थे। प्रोफेसर ने देखा कि वो एक बहुत ही मजबूत कदकाठी का स्वस्थ युवक है। उन्होंने उसे बुलाया और उसे जिराफ पकड़ने का आदेश दिया। ऑपरेशन पूरे 8 घंटे चला। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर चाय और कॉफी ब्रेक लेते रहे, लेकिन हैमिल्टन जिराफ के गर्दन पकड़कर खड़े रहे। जब ऑपरेशन खत्म हो गया तो हैमिल्टन वहां से चुपचाप चले गए। अगले दिन प्रोफेसर ने हैमिल्टन को फिर से बुलाया। वे वहां आए और जिराफ के गर्दन पकड़कर खड़े हो गए। इसके बाद यही उनकी दिनचर्या बन गई। हैमिल्टन ने कई महीनों तक दुगना काम किया। उसने न अधिक पैसे मांगे, ना ही कभी कोई शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस उनकी दृढ़ता और ईमानदारी से प्रभावित हुए। हैमिल्टन को टेनिस कोर्ट से लैब असिस्टेंट के तौर पर उनका प्रमोशन किया गया। अब वह यूनिवर्सिटी के ऑपरेटिंग थिएटर में सर्जनों की मदद करने लगे। यह प्रक्रिया सालों तक चलती रही। सन 1958 में उनके जीवन में एक और मोड़ आया। इस वर्ष डॉक्टर बर्नार्ड ने यूनिवर्सिटी में आकर हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन शुरू किया। हैमिल्टन उनके सहायक बन गए। इन ऑपरेशनों के दौरान वे सहायक से अतिरिक्त सर्जन पद पर कार्यरत रहे। अब डॉक्टर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन के बाद हैमिल्टन को सिलाई का काम दिया जाता था। वह बेहतरीन टीके लगाते, उनकी उंगलियां साफ और तेज थी। वो एक दिन में 50 लोगों को टीके लगाते थे। ऑपरेटिंग थिएटर में काम करने के दौरान वे ह्यूमन बॉडी को सर्जनों से अधिक समझने लगे और इसीलिए सीनियर डॉक्टर्स ने उसे टीचिंग की जिम्मेवारी सौंपी। उन्होंने अब जूनियर डॉक्टर्स को सर्जरी की टेक्निक सिखाना शुरू किया।
वह धीरे धीरे विश्वविद्यालय के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। उनके जीवन में तीसरा मोड़ सन 1970 में आया, जब इस साल लीवर पर रिसर्च शुरू हुआ। उन्होंने सर्जरी के दौरान लीवर की एक ऐसी धमनी की पहचान की जिससे लीवर प्रत्यारोपण आसान हुआ। उनकी टिप्पणियों ने चिकित्सा विज्ञान के महान दिमागों को भी चकित कर दिया। आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी व्यक्ति का लिवर ऑपरेशन होता है और मरीज अपनी आंखें खोलता है, नई उम्मीद से फिर से जी उठता है, तब इस सफल ऑपरेशन का श्रेय सीधे हैमिल्टन को जाता है। हैमिल्टन ने ईमानदारी और दृढ़ता के साथ यह मुकाम हासिल किया। वे केपटाउन यूनिवर्सिटी से 50 वर्षों से जुड़े रहे। इन 50 वर्षों में उन्होंने कभी भी एक भी छुट्टी नहीं ली। वे रात को 3 बजे घर से निकलते और 14 मील तक पैदल चलकर यूनिवर्सिटी जाते और वो ठीक 6 बजे ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करते थे। लोग उनके समय के साथ अपनी घड़ियों को ठीक करते थे। उन्हें वो सम्मान वहां मिला जो चिकित्सा विज्ञान में किसी को भी नहीं मिला है। वे मेडिकल हिस्ट्री में पहले अनएजुकेटेड टीचर थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 30,000 से ज्यादा सर्जनों को ट्रेन किया था और सन 2005 में उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उनको यूनिवर्सिटी में ही दफन किया गया। उनके बाद सर्जनों को यूनिवर्सिटी ने अनिवार्य कर दिया कि वे डिग्री हासिल करने के बाद उनकी कब्र पर जाएं, एक तस्वीर खींचें और फिर अपने सेवा कार्य में जुट जाएं। आपको पता है कि उन्हें यह पद कैसे मिला? केवल एक हां। जी हां दोस्तों, जिस दिन उन्हें जिराफ की गर्दन पकड़ने के लिए ऑपरेटिंग थिएटर में बुलाया गया, अगर उन्होंने उस दिन मना कर दिया होता, अगर उस दिन उन्होंने कहा होता कि मैं ग्राउंड मेंटेनेंस वर्कर हूं, मेरा काम जिराफ के गर्दन पकड़ना नहीं है, तब क्या होता सोचिए। केवल एक हां और एक्स्ट्रा 8 घंटे की कड़ी मेहनत थी जिसने उनके लिए सक्सेस के सभी डोर्स खोल दिए और आखिरी में वो एक विश्व प्रसिद्ध सर्जन बने। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ में नौकरी की तलाश में रहते हैं, जबकि हमें काम ढूंढना होता है। दुनिया में हर काम का एक मापदंड होता है और नौकरी केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होती है जो उस मापदंड को पूरा करते हैं। जबकि अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप दुनिया में कोई भी काम कुछ ही मिनटों में शुरू कर सकते हैं और कोई भी ताकत आपको कभी रोक नहीं पाएगी। हैमिल्टन की पूरी लाइफ को पढ़कर हमने एक रहस्य से पर्दा उठाया है कि उन्होंने नौकरी के बजाय काम करते रहने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। मैं दोबारा कह रहा हूं, उन्होंने अपनी नौकरी के बजाय काम करते रहने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। इस प्रकार उन्होंने मेडिकल साइंस के हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव कर दिया। सोचिए, अगर वो सर्जन की नौकरी के लिए आवेदन करते तो क्या वो सर्जन बन सकते थे? कभी नहीं दोस्तों, कभी नहीं। लेकिन उन्होंने जिराफ की गर्दन पकड़ी और सर्जन बन गए। तो सार ये है कि बेरोजगार लोग असफल होते हैं क्योंकि वो सिर्फ नौकरी की तलाश करते हैं, काम की नहीं। जिस दिन आपने हैमिल्टन की तरह काम करना शुरू कर दिया तो आप सफल और महान इंसान बन जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूलें। मैं आपका दोस्त अजय कुमार मिलता हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद।